हेलो अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान आज मेरे पास जो स्मार्टफोन है यह है रियल मी नाइन जी एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है रियल मी की तरफ से यह रियल मी नाइन और काफी जबरदस्त फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में रियल मी नाइन स्मार्टफोन को

और कुछ इस तरीके से Realme 9 स्मार्टफोन की बॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहाँ 9 और Realme का ब्रांडिंग यहाँ पे नजर आ रहा है 5G जी मैंशन किया गया है और साथ तो ही साथ चारों तरफ यहाँ पे Realme 9 नाइन साथ ही साथ Realme का ब्रांडिंग नजर आ रहा है और इसी स्मार्टफोन में जो रैम दिया गया है वो है सिक्स जी बी वन ट्वेंटी एट जी रोम है और यहाँ पे डिवाइस की प्राइस मेंशन किया गया है लेकिन इससे भी काफी कम कीमत है इस स्मार्टफोन की जो आगे इस वीडियो में शेयर करने वाला हो और चलिए फिलहाल इस बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया है डिवाइस की कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे देख सकते हो डायमेंड्रेड टेन फाइव जी प्रोसेसर नाइन हार्ड अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले फाइव थाउजेंड मिली एम पी आर बैटरी फोर्टी एट मेगा पिक्सल कैमरा और डिवाइस की जो मेरे पास कलर है वो है मीटर ब्लैक कलर इसके अलावा इस स्मार्टफोन में व्हाइट कलर अभी अवेलेबल है और चलिए फिलहाल इस स्मार्टफोन को यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करे और आइकन को जरूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद आइकन जरूर आता है उसे दबाना बिल्कुल भी मत और एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन है तो चारों तरफ यहाँ पे स्मार्ट से ब्रेक कर दिया है और ये हो रहा है अनबॉक्स रियलमी नाइन जी हाँ बॉक्स को कर दिया है यहाँ पे ओपन यहाँ पे जैसे ही ओपन करते यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल रहा है इसी सेक्शन में कुछ डॉक्यूमेंटेशन रियलमी की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट केस को दिया गया है और यह रहा दोस्तों मिथर ब्लैक कलर में, में मेरे पास रियलमी नाइन स्मार्टफोन जी हाँ काफी लुक्स शानदार है दिखाऊंगा बाकी कॉन्टेंट्स क्या कुछ दिया गया है यहाँ पे देख लेते थे एक एडोप्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसका जो आउटपुट है गाइस वो है नाइन वोल्ट टू एम्पियर यानी टीन वर्ट फास्ट चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है रियलमी की तरफ से और एडोप्टर के अलावा यहाँ पे टाइप सी केबल भी दिया गया है तो ये सभी बॉक्स कॉन्टेंट्स है जो रियलमी नाइन की बॉक्स में दिया गया है इन सभी चीजों के अलावा ये रहा स्मार्टफोन इस, स्मार्ट इस प्रदिक्शन के अंदर रियल मी नाइन जी हाँ चलिए इस स्मार्टफोन को इस प्रोडिक्शन से निकालते हैं और देखते हैं और यहां से इस डिवाइस को हमने निकाल दिया है देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से मित्र ब्लैक कलर में मेरे पास ये रियल मी नाइन आई स्मार्टफोन है और डिवाइस के लुक्स काफी शानदार है जो कलर है काफी इंटरेस्टिंग कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है रियल का ब्रांडिंग है साथ ही साथ ट्रिपल रेयर कैमरा और यहाँ पे कैमरा मोरियल में एलईडी फ्लैश भी लगाया गया है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं लुक्स काफी शानदार है कलर भी मित्र कलर ब्लैक कलर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग कलर है और डिवाइस की जो वेट है 188 ग्राम फोन की वेट है 8. फाइव एम एम थिकनेस के साथ ही यह डिवाइस है और बिल्कुल डिजाइन के मामले में ये जो रियलमी नाइन स्मार्टफोन है काफी अच्छा मुझे लगा वैसे ऐसे में आपको इस स्मार्टफोन की लुक्स डिजाइन कैसा लगा बैक बॉडी की तरफ नीचे कॉमेंट करके जरूरत है अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस स्मार्टफोन में और एक कलर है जो व्हाइट कलर में आता है डिवाइस के साइड में पावर बटन और पावर बटन के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर है नीचे की तरफ स्पीकर रिल है टाइप सी पॉट है माइक्रोफोन एन थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जैक लगाया गया है इस तरफ देखा जाए बोलियम एंड वर्जन एंड सिम ट्रे दिया गया है ट्रिपल स्लॉट के साथ इस स्मार्टफोन की सिम ट्रे है और ऊपर की तरफ देखा जाए कुछ भी नहीं है क्लीन है और डिवाइस इतना ज्यादा वेट भी नहीं है लाइट वेट डिवाइस कह सकते हैं थिकनेस भी काफी कम है 8.5 पॉइंट mm फाइव एम थिकनेस है और इस रियल मी नाइन स्मार्टफोन की जो बैक बॉडी है वो प्लास्टिक बैक बॉडी है प्लास्टिक फ्रेम के साथ यह डिवाइस है ग्लास का उपयोग नहीं किया गया है इस स्मार्टफोन में और चलिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में यह जो रियल मी नाइन स्मार्टफोन है इसमें हमें आई पी देखने को मिलता है जी जहागाइज इस स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है आई से है, 90 रेट के साथ में फोर पंचोल कैमरा के, के साथ इसी की डिस्प्ले है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है तो देखा जाए डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया गया है नाइनटी हार्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है काफी अच्छा स्मूथ यहाँ पे डिस्प्ले होगा और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में हमें

चल रहा है और रियलमी यूआई वर्जन टू पॉइंट जीरो का इस्तेमाल किया गया है और डिवाइस में एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों एट हंड्रेड टेन एक्सेट है 6NM में में क्लॉक स्पीड के साथ में ये है और परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे रैम को आप एक्सपेंड भी कर सकते हो आप टू फाइव जीबी जो सॉफ्टवेयर वेज है यहाँ पे हमें कुल देखा जाए ग्यारह जीबी रैम मिल जाता है और डिवाइस कहीं ना कहीं गेमिंग एंड स्पीड के मामले में काफी बढ़िया रहेगा इसके अलावा जीपीओ माली जी फिफ्टी सेवन एमसी टू जीपीओ दिया गया है तो परफॉर्मेंस के मामले में डिवाइस के प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा खासा प्रोसेसर दिया गया है और एक फाइव जी चिपसेट भी मिल रहा है तो यहां पे हमें एक फाइव 5G... जी और डिवाइस मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे जो डिवाइस की प्राइस रेंज है वो एक बजट कैटेगरी में है और इस स्मार्टफोन में आपको 5G चिपसेट भी दिया गया है और फिलहाल दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर हम बात करें आ, बैटरी परफॉर्मेंस के ऊपर तो फाइव थाउजेंड मिली एम का बैटरी है अठारह वाट फास्ट जी से पोर्ट दिया गया है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा डिवाइस को चार्ज होने में लेकिन बैटरी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल जाएगा इसके अलावा डिवाइस में सिक्योरिटी के मामले में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है फेस अनलॉक जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है पावर बटन के साथ में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है इसके अलावा हमें यहाँ पे फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिलता है दोनों ही आप ऑप्शन अवेलेबल है यूज़ कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी बढ़िया तरीके से डिवाइस को अनलॉक कर रहा है इसके अलावा फेस अनलॉक से भी इस स्मार्टफोन को आप अनलॉक कर पाओगे दोनों ही ऑप्शन कमाल की है और कमाल की परफॉर्मेंस भी करता है और इसी स्मार्टफोन की अब चलिए बात कर लेते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये जो रियल मी स्मार्टफोन है इसमें हमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है इसी स्मार्टफोन की जो प्राइमरी कैमरा दोस्तों दिया गया है वो है फोर एट मेगा पिक्सल या दोस्तों अपर चढ़ वन पॉइंट एट के साथ में प्राइमरी कैमरा है इस स्मार्टफोन की इसके अलावा डिवाइस में हमें मैक्रो लेंस के लिए टू मेगा पिक्सल कैमरा दिया गया है जो अपर चढ़ एफ 2.4 के साथ में दिया गया है और डेप्स टू तो मेगा पिक्सल अपर स्मार्टफोन की जो सेल्फी कैमरा है वो सिक्सटीन मेगा पिक्सल अपर चढ़ाइंट वन के साथ में है और वीडियोग्राफी के मामले में यहाँ पे टेन एटी पिताड़ी एफ पी पे आप वीडियो शूट कर पाओगे डिवाइस के रियर एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा के मामले में और कैमरा के मामले में सभी ऑप्शन अवेलेबल है अल्ट्रा स्टेबल वीडियो ए आई भरपूर मात्रा में दिया गया है कुछ कैमरा सिंपल जो इसी स्मार्टफोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और डिवाइस की जो कैमरा परफॉर्मेंस है गाइज वो काफी ज्यादा अच्छा है और स्टैंडिंग कैमरा परफॉर्मेंस डिवाइस के फ्रंट एंड रियर कैमरा में हमें देखने को मिल जाता है बॉके इफेक्ट में भी डिवाइस काफी बढ़िया काम करता है आउटडोर डेलाइट कंडीशन में गजब का परफॉर्मेंस आप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा प्राइस रेंज के हिसाब से डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कैमरा सेंटिंग स्मार्टफोन है यह रियल मी नाइन और लोलाइट इंडोर कंडीशन में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है ये रियल मी और चलिए दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में ये जो रियलमी नाइन डिवाइस है इसमें दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है इसका जो बेस वेरिएंट है वो आता है फोर जी बी रैम एंड सिक्सटी फोर जी इंटरनल स्टोरेज के साथ में जिसका प्राइस इंडिया में रखा गया है फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेडी नाइन रूपए थाउजेंड का डिवाइस है और इस स्मार्टफोन की जो सिक्स जी बी रैम एंड वन ट्वेंटी एट जी इंटरनल स्टोरेज वेरियंट है जो मैंने यहाँ पे अनबॉक्सिंग किया है इसका प्राइस इंडिया में सेवेंटी यानी ऑलमोस्ट हंड्रेडी फाइव हंड्रेड का डिवाइज है ये दो अलग अलग वेरिएंट अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से, से यह डिवाइस आता है और डिवाइस के प्राइस रेंज में आपको एक बढ़िया स्पेसिफिकेशंस मिलता है साथ ही साथ एक 5G जी कनेक्टिव वाला स्मार्टफोन मिल रहा है तो प्राइस रेंज के हिसाब से यह एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है प्राइस रेंज के हिसाब से रियलमी की तरफ से यह एक बजट स्मार्टफोन में से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन रहेगा तो यही है दोस्तों रियलमी नाइन फाइव जी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इस स्मार्टफोन के बारे में उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे दिए को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड जय हिंद